अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु। आधुनिक आवाम से एक गुजारिश है, अभी जो ईदगाह बन रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, तो चंदा पट्टी जुमेरात और आतवार के दिन जो चंदा वसूल कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बुनियादी ख़त्म हो चुकी है। अब आने वाले कल में और भी काम बहुत स्पीड से शुरू होने वाला है, तो आवाम से मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि दिल खोल के चंदा दिए। और रही बात जो चंदा के लिए जो निकले हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हर लोग जो है पैसे वाले बिजनेस वाले हैं अपना टाइम दे के जो है ईदगाह बनाना, बल्कि वो जो ख्वाहिश कर रहे हैं उन लोगों का साथ दीजिए। आप लोग का जो भी पैसा लगेगा अल्हम्दुलिल्लाह सब ईदगाह में लग रहा है, आप टेंशन मत लीजिए। गरीब से लेके मिडिल क्लास से लेके पैसे वाले से लेके हर लोग भी रहेंगे, 10 रुपये भी रहेंगे, आप दिल खोल के चंदा दीजिए उधर। और गवर्नमेंट का जो भी पैसा आएगा वो भी पैसा लगेगा, और जो आवाम जो चंदा पट्टी दे चुके हैं उनका पैसा भी अल्हम्दुलिल्लाह आने वाले कल में, क्या कॉलेज रहेंगे उसके बाद जो है जो मशीन सीखने के लिए आने वाले कल में अच्छे से डेवलपमेंट देखेंगे उधर, आपका पैसा ज़ाया नहीं जाएगा। दिल खोल के आप चंदा दीजिए, किसी के बातों में जो भड़काने वाले बहुत है हमारे लोग कौम में, बहुत लोग जो रुकाने की कोशिश कर रहे हैं उनके बातों में मत आइए। और हमारे दुलजा पहलवान के मुतल्ली जकरिया भाई से रहेंदे, वेरिटी स्माल भाई से रहेंदे, मैं गुजारिश कर रहा हूँ, अब तक वो लोग बहुत मेहनत कर चुके हैं, नाश्ता टाइम पे नहीं खाया जैसा, दोपहर में भी टाइम पे नहीं खाया जाएगा, बहुत मेहनत करे वो, तो आने वाले कल में भी उन्हीं को सामने रह के काम करवा लेना है। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वही काम सामने ठहर के काम करवाते रहेंगे तो अच्छा रहेगा, आने वाले कल में जल्द से जल्द काम मुकम्मल हो जाएगा उधर। तो आवाम से मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि जो भी चंदा के लिए आते हैं दिल खोल के चंदा दीजिए, जो भी देंगे आप उधर ईदगाह को लगेगा पैसा, कोई किसी का पैसा मुंह नहीं मारेंगे, जो भी पैसा है आपका ईदगाह में लगेगा, आप लोग टेंशन मत लीजिए, अच्छा से अच्छा काम लगेगा। जो भी लोग 10 रुपये देना चाहते हैं, 50 रुपये दे, 100 रुपये देना चाहते हैं, दिल खोल के दीजिए, आपको डिमांड नहीं। अगर जो पैसा वाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह दिल खोल के दीजिए, तो मैं उनको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर जो सामान वगैरह दिलाना चाहते हैं वैसे लोग भी अगर रहेंगे तो कॉन्टैक्ट करिए ईदगाह के कमेटी मेम्बरों से, क्योंकि आने वाले कल में ईदगाह में कंपलसरी हम लोग ईदगाह में अब इंशाल्लाह बकरीद आने वाली है, जल्द से जल्द नमाज़ पढ़ने की कोशिश करेंगे, आने वाले रमज़ान में भी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे जल्द से नमाज़ पढ़ें हम। हमारी तारीख ही ईदगाह को हमारे बचपन से तो हम पढ़े नहीं है, आने वाले कल में हमारे नस्ल है, आने वाले कल बच्चे पढ़ना है, बोल के मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, दिल खुल के चंदा दीजिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु। शेख मोहम्मद इलियास की जानिब से 50,000, रामपुर हिदायत साहब की जानिब से 50,000, इंफरोज शफी अहमद साहब की जानिब से 50,000, मार्केट यार्ड चेयरमैन बादशाह साहब की जानिब से 50,000, शेर खान मोहम्मद इलियास की जानिब से 50,000, कोट हबीब साहब की जानिब से 50,000, मुल्ला रफीक अहमद साहब की जानिब से 50,000, नाज शब्बीर साहब की जानिब से 50,000, सैयद अफसर बादशाह साहब की जानिब से 51,000। भाई बहुत शुक्रिया।